कर रही हो तुम पटर पटर, हाँ क्या 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 कर रही हो? मैं बाहर सुनो, तुम कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ बकबक किए जा रही हो, क्या कर रही हो? हाँ बोलो। देखो मिट्टी पे कर दी हो वाला काम, पर कर क्या रही हो? मैं पाँच दो मिनट शिकायत। तो फ्रेंड्स, दीपिका की पागलपंती से कौन वाकिफ नहीं है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे दीपिका कितना पागलपन कर रही है, जिसे देख के शुएब इब्राहिम को भी डर लगने लगा। बात ये थी फ्रेंड्स, रात के 3 बजे सहरी के लिए जब शुएब इब्राहिम उठे तो दीपिका इब्राहिम उनके लिए कुछ बनाने के लिए किचन में गई। वहाँ पर उनको अचानक लाफ्टर अटैक आ गया, जिसे देख के शुएब इब्राहिम को बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए। यहाँ पर देख ही रहे होंगे आप वो किस तरीके की हरकतें कर रही हैं। वैसे तो दीपिका इब्राहिम को हंसने का इतना ज़्यादा शौक है कि वो कभी भी इतना ज़्यादा हंसने लगती हैं, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। बट यहाँ पर दीपिका इब्राहिम ने तो हद ही कर दी। वो उनका नाश्ता सहरी बनाने के बजाय बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी और अजीब टाइप का बिहेव करने लगी, जिसे देखकर शुएब को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उस पर रूहान भी उनकी आवाज़ से उठ गया। आप देख ही रहे होंगे रूहान उठ के 3 बजे बैठ गया है, क्योंकि वो अपनी माँ की आवाज़ से जाग गया। और आपको दीपिका इब्राहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी ऐसी हरकत आपको कैसी लगती है? इस सारी चीज़ के बारे में आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दीपिका तो वैसे एक सुलझी हुई लड़की है, एक सुलझी हुई माँ है और एक अच्छी पत्नी है, बट इस टाइप का बिहेव उन्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड बनाता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।